हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स किचन। आज हम मटन गोटी मसाला बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के लिए 3 पाव मटन और 3 बड़े प्याज या फिर 2 3 मीडियम प्याज और 2 बड़े प्याज एक जैसा काट के रख लेंगे। थोड़ा सा टमाटर ऑप्शनल है, जिंजर, दही और धनिया पत्ती, हरी मिर्च। और इस तरीके से हम अब इसका पहले सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। और मैरिनेशन के लिए मैं एक बड़ा सा बर्तन लेती हूँ क्योंकि इसको अच्छे से मैरिनेशन करना पड़ेगा। पहले हम मटन को ले लेंगे। मटन जो भी है हमारा, बोनलेस भी हो सकता है और फिर बोन भी हो सकते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले जो डालना है वो है हल्दी। 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च जो भी है, 1 से 1.5 चम्मच अंदाजे से डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप थोक के डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा। इसके बाद हम इसको हाथ से ही मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे दही। दही में लगा के इसको रात भर छोड़ देना है। करीब 7-8 घंटे इसको मैरिनेट होने देना है। अभी हम रात को इसको मैरिनेट कर रहे हैं, कल सुबह इसको बनाएंगे, ठीक है? तब तक ये सुबह तक मैरिनेट भी हो जाएगा अच्छे से, सब मसाले इसमें घुल जाएंगे। और इस समय आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिल्ली भी दे सकते हैं। थोड़ा सा नमक देंगे इसमें और बाकी का नमक हम बाद में जब ग्रेवी बनाएंगे तब। इसमें हम देसी घी दे लेंगे, 1 चम्मच देसी घी। और ये तेल, इसके साथ तेल इसमें हम गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बस इसको हलने देना है, हल्के सा क्योंकि ये बाकी प्याज जो है मटन के साथ पकेगा, ज़्यादा नहीं पकाना है। आधी चम्मच और ये हमारी देगी मिर्च, 1 चम्मच और सूखी लाल मिर्च भी खाते हैं। हम चाहे तो थोड़ा सा टमाटर दे सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन टमाटर को इसके साथ थोड़ा पकने देना होगा। थोड़ी देर इसको कवर करके छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसको टमाटर दिया है, इसलिए इसको ढक दिया था टमाटर को पकने के लिए। डाल देंगे जो हम मैरिनेशन कर रहे हैं। इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसको मिलाने के बाद हम इसको या तो हम सीधा कुकर में थोड़ी देर बैठ रहे हैं इसको इसके साथ मिक्स करके थोड़ी देर भूनने देंगे मटन को। उसके बाद हम इसे या तो कुकर में डाल सकते हैं और चाहे तो इसमें भी
कम आंच पे, धीमी आंच पे पका सकते हैं 30 से 35 मिनट तक के लिए। इसको छोड़ देंगे। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा ढक के दम में पकाना है थोड़ी देर। उसके बाद आप चाहे तो इसको कुकर में डाल के 2 सीटी या 3 सीटी लगा दीजिए, बस कम सालों करते हैं। थोड़ा सा कच्चा प्याज, इस पोजीशन में हम डाल देंगे और फिर इसमें इसका ही पानी निकलेगा। फिर इसमें दही का पानी, प्याज का पानी, सब हमें जिस हिसाब से ग्रेवी रखना है उस हिसाब से हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। तो फिर ये मसाला, 3-4 बड़ी इलायची, 3 या 4, और काली लौंग, 4-5 लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची, इनको हम गरम कर लेंगे और गरम करके ये मसाला तैयार कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक जो है वो मसाले के स्वाद को बनाए रखें, लॉक करके रखें, इसलिए हम उसके साथ थोड़ा नमक मिला देंगे। और इसको ट्रांसफर कर देंगे। मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशन ज़रूर 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 दीजिए।
मसाला बनाया था, गरम किया था, उसको हम ऊपर से डाल देंगे। मटन मसाला आइए ट्राई कीजिए, घर पर बनाइए।